आप सब लोग, आपका स्वागत है श्री जे टैब चैनल में। तो दोस्तों, हम वैसे आईटी स्टॉक के बारे में बात करना चाहे दोस्तों, ये मल्टी बैगर बनेगा या नहीं, जो उसका कस्टमर और जो क्लाइंट है उसके साथ है दोस्तों। आप देखोगे तो आपको चौक में रह जाओगे कि भाई इतने बड़े बड़े बढ़िया क्लाइंट उसके पास है दोस्तों। उसमें से एक का नाम है BSE, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, और HAL, हल, और इंडियन आर्मी, इंडियन एयरफोर्स। दोस्तों, मैं पूरा एनालिसिस करेंगे, लेकिन दोस्तों आपको वीडियो लास्ट तक जरूर देखे तो आपको पूरा नॉलेज मिल जाएगा। और जो बेस्ट आईटी स्टॉक है, पेन स्टॉक है, और क्या मल्टीमेकर बनेगा या नहीं, पूरा एनालिसिस करेंगे। तो बहुत ही बढ़िया दोस्तों, मजेदार का स्टॉक है, तो आपको वीडियो लास्ट तक जरूर देखे तो आपको पूरा नॉलेज मिल जाएगा दोस्तों। स्टार्ट करते हैं। उसका नाम है सकिया इन्फोटेक लिमिटेड दोस्तों। उसका जो हम हाई देखेंगे दोस्तों, मैक्सिमम तो आपको मालूम पड़ जाएगा कि उसका लो था 1.73 का लो है, और उसका जो मैक्सिमम हाई था 199 से हमको 89% की गिरावट में मिल रहा है। और उसका जो क्लोजिंग आप देखो दोस्तों, जो अब एक मंथ से का लगातार वो बायर सर्किट में लग रहा है, फिर उसका क्लोजिंग है 13.30। यानी दोस्तों बहुत ही बढ़िया मूवमेंट चल रही है अभी ये स्टॉक में दोस्तों। क्या मल्टी बैगर तो बनने को दिख रहा है दोस्तों, जैसे ही वो अप मूव ट्रेंड कर रहा है, तो हम उसका पूरा एनालिसिस करेंगे। और उसका टेक्निकली प्लस उसका जो जो काम, जो उसका कस्टमर और क्लाइंट है, तो उसका जो आप देखोगे तो आपको चौक में रह जाओगे कि भाई इतना बड़े बड़े अच्छे अच्छे क्लाइंट है, तो यह स्टॉक में तो एंट्री तो करना ही चाहिए दोस्तों। ये एजुकेशन पर्पज के लिए वीडियो बना रहा हूँ, तो आपको लास्ट तक जरूर देखे तो आपको मालूम पड़ेगा कि भाई क्या उसमें फंडामेंटली या स्टॉक में है। आईटी सॉफ्टवेयर तो है ही, आपको मालूम है, लेकिन उसकी मार्केट कैप आपको यहाँ पे दिखने, वो ओनली 18 करोड़ की मार्केट कैप है। रैंक उसको 3073 करोड़ की उसकी सॉरी रैंक है 3073। और पेन स्टॉक तो है ही दोस्तों, पेन स्टॉक यानी पेनी पे, अगर चल गया तो आपको हीरो बना देगा, अगर नहीं चला तो आपको जीरो बना गया। लेकिन हमको जीरो बिल्कुल नहीं बनना है, हमको इतना इन्वेस्टमेंट करना है जो हमको ज़्यादा दर्द ना हो। तो दोस्तों, हम उसका पी रेशियो तो आपको -2.4 दिख रहा है। फाइनेंशियल बात करना जाए तो फाइनेंशियल हम उसमें क्वार्टरली देखेंगे, तो क्वार्टरली आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है, उसको शो ही नहीं करी, रेवेन्यू उसका कुछ है ही नहीं। सितंबर में आप देख रहे हो जीरो जीरो दिखा रही है, नेट इनकम आप देखो यहाँ पे नेगेटिव आ रही है दोस्तों। फाइनेंशियल में तो गड़बड़, --0.1 हम यहाँ पे मान के चल सकते हैं। और अब हम उसकी पियर्स कंपनी के बारे में बात करें, पियर्स कंपनी में क्या है, तो पियर्स कंपनी हम यहाँ पे देखने को देखे तो मोसिप टेक्नोलॉजी जो बहुत ही अभी चल रही है, सखिया, SM टेक्नोलॉजी, फिर इन्फोटेक, तो बहुत ही बढ़िया यहाँ पे मूवमेंट तो है ही। लेकिन अब होल्डिंग के बारे में बात की, होल्डिंग में क्या है दोस्तों, कुछ तो गड़बड़ है दया, यहाँ पे देखने को मिल जाए। होल्डिंग देख सकते हो आप यहाँ पे कि 21.04% का उसका होल्डिंग है। अगर आपको ऐसा लगे कि भाई कोई प्रमोटर के पास कम होल्डिंग हो, तो उसका पूरा एनालिसिस का वीडियो आपको ऊपर लिंक मिल गई होगी, तो अब मालूम पड़ेगा भाई प्रमोटर के पास कम होल्डिंग हो या उसका स्टेक बेच दे तो हमको क्या करना चाहिए, तो लिंक ऊपर दे दिया, तो आप प्लीज़ ज़रूर वीडियो देखे तो आपको मालूम पड़ जाएगा दोस्तों। अब बात करते हैं, म्यूचुअल फंड के पास होल्डिंग है ही नहीं, लेकिन यहाँ पे आपको देखने को फॉरेन इंस्टीट्यूशन के पास 2.02% का होल्डिंग देखने को मिल रहा है दोस्तों। एक फॉरेन इंस्टीट्यूशन है, वो कुछ तो उसने देखा होगा तभी तो इन्वेस्टमेंट करते हो गए ना। अब यहाँ पे आपको देखने को उसका स्टेक है, उसने लगातार वैसे ही स्टेबल रखा है, और यहाँ पे उसने इंक्रीज 0.2% का यहाँ पे इंक्रीज किया दोस्तों। तो ये एक होल्डिंग के देखे तो प्लस साइन है, लेकिन फंडामेंटली माइनस साइन है दोस्तों। फॉरेन इंस्टीट्यूशन के पास होल्डिंग 2% का तो पड़ा हुआ है, तो दोस्तों यहाँ पे तो प्लस साइन देखने को मिल रही है होल्डिंग में। अब बात करते हैं उसकी भाई, उसका जो पार्टनर है, तो उसकी फिर इंफॉर्मेशन लेके दोस्तों यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है कि भाई जो उसका क्लाइंट और कस्टमर है, तो आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है एयर इंडिया, तो ये आंध्र बैंक, फिर भारत डायनामिक लिमिटेड, एयर फ्रांस, एयर टूरिज्म एंड फ्रांस, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स, फिर उसके अलावा हम यहाँ पे देखे तो BSE, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, फिर एसील, हल, इंडियन आर्मी, इंडियन एयरफोर्स, इंडियन नेवी, हर तरह का, आप इंडियन रेलवेज के पास किंगफिशर एयरलाइंस, फिर इम्तियाज़, फिर जो फ्रांस का भी है, वो फ्रांस की एयरलाइंस में भी उसका काम काज दोस्तों चल रहा है, फिर यूनियन बैंक, भारतीय स्टेट बैंक, NTPC, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो दोस्तों यहाँ पे बहुत ही बड़े उसके कस्टमर है, आईटी कंपनी में काम कर रही है,
तो इतने बड़े बड़े अच्छे अच्छे क्लाइंट है, अगर उसने जो काम काज अच्छा, फाइनेंशियली वीकनेस है, फाइनेंशियली जो स्ट्रॉन्ग बन गया, या फिर कोई कंपनी बड़ी कंपनी ने इन्वेस्टमेंट कर दिया, तो दोस्तों हमको यहाँ पे बड़ी अच्छा मल्टीवेगर देखने को मिल सकता है। अब आप देखते हो रिसेंटली उसने क्रॉस किया था, रजिस्ट्रेशन था सब, आप देखो यहाँ पर रजिस्ट्रेशन क्रॉस करें नीचे आया, फिर भी यहाँ पे देख के नीचे आया, फिर यहाँ पे क्रॉस किया, तो हमको यहाँ था अप मूव देखने को मिल रही है दोस्तों। तो 10.15 का भी अप मूव देखा, और रेजिस्टेंस था वो क्रॉस करके 13.30 पे क्लोज दिया है दोस्तों। ये पेनी मल्टी बैगर 2000, अगर ये फाइनेंशियल स्ट्रॉन्ग बन गया तो हमको मल्टी बैगर देखने को मिल सकता है दोस्तों। बहुत ही बढ़िया मूवमेंट चल रही है, मैं आपको दिखा दूँ यहाँ पे, तो आपको मालूम पड़ेगा कि भाई वो कंपनी जो वंथ मंथ में उसने मूवमेंट दिया है, वंथ मंथ में आप देख सको तो देखने को मिल रहा है 84% का उसने वंथ मंथ में रिटर्न दिया। 6.20 था तो ऑलमोस्ट 12.51 हो चुका है अभी, तो ऑलमोस्ट आप देखो तो डबल कर दिया उसने स्टॉक तो वन मंथ में दोस्तों। बहुत ही बढ़िया स्टॉक चल रहा है। तो दोस्तों ये पूरी इन्फॉर्मेशन आपको सही लगी, अच्छी लगी हो तो प्लीज़ अपने चैनल श्रीजीत चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ढेर सारा प्यार दीजिए। और ऐसा कोई नॉलेज आपको चाहिए तो प्लीज़ कॉमेंट आप कर सकते हो, आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। अगर आपने बेवेस्ट पेनी स्टॉक फॉर बाई जितना यहाँ पे पूरा प्लेलिस्ट है, आप डिस्क्रिप्शन में लिंक भी मिल जाएगी, तो आप जरूर देखिए, तो आपको मालूम पड़ेगा दोस्तों हर तरह का आपको वीडियो देखने को मिल जाए। बेस्ट स्टॉक फॉर बाई, फिर बैंक निफ्टी निफ्टी प्रिडिक्शन, फिर लाइव ऑप्शन सेलिंग स्ट्रेटेजी, दोस्तों हर तरह का वीडियो आपको देखने को मिल जाएगा दोस्तों, आप जरूर देखिए। और आपने पहली बार वीडियो देख रहे हैं, प्लीज़ अपने चैनल श्रीजीत चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ढेर सारा प्यार दीजिए दोस्तों। थैंक यू सो मच।